बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत और आदिल दुरानी के बीच के झगड़े में हर दिन कोई न कोई नई बात सामने आती है। राखी ने आदिल पर कई गंभीर आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया है। राखी ने हालिया जानकारी दी है कि आदिल ने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि कई लड़कों और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। जी हां, राखी ने खुलासा किया है कि आदिल खान समलैंगिक यानी बाइसेक्सुअल भी हैं। राखी ने कहा कि शादी के एक डेढ़ महीने बाद ही मुझे ये लगने लगा था कि उनका किसी के साथ अफेयर है। राखी ने आगे कहा कि उन्होंने बहुत लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, लड़के ही नहीं बल्कि आदमियों की भी जिंदगियां बर्बाद की हैं। जो वीडियो सामने आया है उनका वो मेरे लिए शॉकिंग था। इस दौरान राखी सावंत काफी गुस्से में भी नजर आई। वही कुछ वक्त पहले राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। आदिल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जी, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि राखी सावंत को न्याय नहीं मिला। एक हिंदुस्तान की महिला जो पीड़ित है, पीड़िता महिला के साथ आज न्याय मिला है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार इतिहास रचा गया है, पहले शादी होती है फिर सुहागरात होती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले सुहागरात हुई है फिर शादी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब आरोपी को पहले पुलिस कस्टडी पहले मिलती है फिर जुडिशियल कस्टडी मिलती है, लेकिन यहाँ पर पहले जुडिशियल कस्टडी मिली, जैसी मिली और आज पीसी मिली है। पुलिस कस्टडी मिलना बहुत जरूरी है, वरना कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या नुकसान हुआ, मेरे पैसे गए, मेरे जेवर गए, मेरा मतलब जो भी मेरे धाराएं हैं वो कैसे साबित होगी, वो पुलिस कस्टडी में ही साबित होगी। बट ये लोग बहुत ही, इनके वकील और इन्होंने बहुत ही शाणपत्ती करके, पहले इनको पता नहीं कि हमारे जो हिंदुस्तान के, जो हमारे अंधेरी कोर्ट के जो सरकारी वकील जो है, कितने महारथी है, मैं इन सबका धन्यवाद कहूंगी। इस बीच राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा के बीच आई खटास धीरे धीरे दूर नजर आ रही है। हाल ही में राखी सावंत ने शर्लिन चोपड़ा से माफी तक मांग ली है। दोनों के गले मिलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में यूजर्स के काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि अगर दोस्ती सच्ची है तो पब्लिक के आगे साबित करने की जरूरत ही नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये तो एक सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर होनी चाहिए। एक ने लिखा कि कल तो एक दूसरे को काटने को दौड़ रही थी और आज मतलब के लिए एक दूसरे के साथ हो गई है। राखी और शर्लिन का एक अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दोनों साथ में केक काटती हुई नजर आ रही हैं। दोनों के चेहरे की खिलखिलाहट साफ बता रही है कि अब सारी कड़वाहट दूर हो गई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले शर्लिन ने राखी पर उनके आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोज वायरल करने की शिकायत दर्ज करवाई थी और फिर पुलिस ने राखी को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए हैं और हर कोई हैरान है। बता दें कि एक्ट्रेस राखी सावंत ने आईपीसी की धारा 498A, 377, 406, 323, 504, 506 के तहत आदिल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। इससे पहले मामले के बारे में बात करते हुए वकील ने कहा था कि मेरा मुवक्किल नरक से गुजर रहा है और उसने आदिल खान के खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं वो सबूतों के समर्थन में है। शिकायत में आदिल खान पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने और करीब 1.5 करोड़ की ठगी करने के भी आरोप है। राखी ने अपनी शिकायत के आधार पर सबूत भी पेश किए हैं। आदिल पर राखी का सबसे गंभीर आरोप अप्राकृतिक यौन संबंध है। राखी के अलावा आदिल के खिलाफ कई महिलाओं ने रेप और शादी का झांसा देने के आरोप भी लगाए हैं। कथित तौर पर एक ईरानी महिला ने आदिल पर शादी के बहाने रेप करने का आरोप लगाया है। अब राखी ने आदिल पर बाइसेक्सुअल होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आदिल ने लड़कियों के साथ ही साथ लड़कों के साथ गलत काम किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल राखी और आदिल को लेकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ।